लोगों ने इरादतन मुख्यमंत्री जी को लेकर अपशब्दों का झूठा ऑडियो वायरल किया है। प्रशासन उन सभी पर चुनाव आचार संहिता में माहौल बिगाड़ने के जुर्म में कार्यवाही करे, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का। सचिन चौधरी ने बताया कि कुछ असामाजिक लोग जिसमें शहजाद राशिद, फराज, बिलाल, राकेश अग्रवाल एवं कुछ अज्ञात ने मेरे खिलाफ एक प्रेस वार्ता कर मेरे और मेरे बारे में सोशल मीडिया एवं व्यक्तिगत रूप से भ्रामक बातों का दुष्प्रचार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर अपशब्दों का झूठा ऑडियो भी वायरल किया है। ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया गया है और जो भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं उन सभी पर NSA लगाकर प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। जिस भी मीडिया ने इस तरह की मनगढ़ंत ऑडियो को वायरल कर दंगा भड़काने की कोशिश की है, मैं उन सभी पोर्टल्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग करता हूं। इस तरह की झूठी खबरें प्रसारित कर शहर में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। चुनावी माहौल में इस तरह की बातें हमारे शहर का अमन चैन खराब कर सकती है। ये सब मेरे राजनीतिक रसूख को खत्म करने की साजिश है। कुछ सियासी प्रतिद्वंदी लोग मेरी और कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस विषय में की है, थोड़ी ब्रीफ करनी। कुछ लोगों ने परसों मेरे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए अपशब्दों का वहाँ पे गालियाँ दी गई मुख्यमंत्री जी को ऑडियो के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का साहस उन लोगों में कहाँ से आ रहा है। इसमें एक दो पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, वो सपा का भी उसमें एक दो नेता इन्वॉल्व है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि ये जो लोग हैं, 2018 में मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ। जिस तरह से एक गाड़ी को आप खरीदते हैं, अगर आप उसे बेच देते हैं जिसके नाम उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसी की जिम्मेदारी उसको होती है। बार 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 मैं एक ही बार कहता हूँ। दूसरी बात, ना ही मुझ पर कोई 420 का मुकदमा दर्ज है। एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वो पुलिस ने उसमें FIR लगा के उसको बंद कर दिया है। पुलिस ने देखा कि वो धोखे से उनसे लिखा गया, तो उन्होंने मुझसे बात की थी उस मामले में। और बाद में जब पुलिस को लगा कि वो मुकदमा जो है किसी काम करें, तो बंद कर दिया गया। और दूसरी बात, जितने भी लोग हैं, अगर कंपनी से भी कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी के पास जाएं अपना। मैंने सुना है कुछ बैलेंस अमाउंट इन लोगों का इनके पास नहीं है, मतलब कुछ बैलेंस अमाउंट नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, दो लोग मिल के ले लें, मतलब। लेकिन आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप कोर्ट के CJM के पास जा सकते हैं, बड़ी कोर्ट में जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते। अरे मैं कह रहा हूँ, धोखाधड़ी करा कुछ भी बोलना आसान है। आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो उसको आप पुलिस में दीजिए, कोर्ट में दीजिए, ऊपर वाली कोर्ट में दीजिए। आप चौराहे चौराहे ढोल थोड़ी बजाएंगे। और दूसरा, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप पीड़ित हैं। मुझे तो यही नहीं पता लगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए थी? वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ थी या वो मेरे खिलाफ थी? मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वो जांच पुलिस से कराते। किसी व्यक्ति को ये कतई हक नहीं है कि कितने बड़े पद पे कोई व्यक्ति बैठा है उसके खिलाफ आप कुछ भी चला देंगे। ऐसे नहीं चला सकते आप। उसकी एक बाकायदा कार्रवाई होती है। आप अपनी शिकायत दर्ज करिए पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन की जांच करेगा। ये अनुमति किसी ने दे दी? हो सकता है उन्होंने अपने खुद ही फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया हो सकता है उन्हीं का फ़ोन पाया जाए बाद में कि उन्होंने अपने ही खुद फ़ोन में डबिंग करके उसको चला दिया। इन पे NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है उनके खुद के फ़ोन में वो वीडियो रिकॉर्ड हो और उन्होंने खुद ही भर लिया हो। आज आप ये नहीं पहचान पाएंगे, रंगीला जो है नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ निकाल लेते हैं, राजू श्रीवास्तव देश के हर आदमी की आवाज़ निकाल लेते हैं, और सुनील ग्रोवर है वो सबकी आवाज़ निकाल लेते हैं। मुद्दा ये नहीं है, या तो वो वीडियो जो है वो वीडियो देते, मन से बोलते हुए वीडियो देते, या कोई अगर मेरा कोई बात कर रहा था मैं किसी से फ़ोन पे, तो उसमें नंबर आता है फ़ोन का। और दूसरी बात, आप पुलिस से कहेंगे, आपको किसने अथॉरिटी दे दी? कुछ पोर्टल्स ने उसे चला दिया। कैसे चला दिया पोर्टल्स ने उसे? कुछ पोर्टल्स ने, मैं देख रहा था वीडियो में, कुछ पोर्टल्स आ रहे थे उसमें वीडियो को चलाते, ऑडियो को चला ही नहीं सकते आप। ये अपराध है। मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो, पद की छवि खराब हो गई। हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, पद की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा को गिराया गया है। आज हम कप्तान साहब से मिलेंगे और ऐसे लोगों पर NSA की मांग करेंगे जो लोग अपनी छुटभैया राजनीति के लिए, अपनी छुटभैया प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए इतने बड़े पद की गरिमा गिराएंगे, उनको बक्सा नहीं। उन लोगों को ना कहना यह है कि
मैं कह रहा हूँ मैंने चीज बेच दी है भैया, मैं क्यों मिलूंगा। और रही बात मिलने की, कंपनी आइए अपना पेमेंट दीजिए, और कंपनी नहीं सुन रही पुलिस के पास जाइए, पुलिस एविडेंस कलेक्ट करेगी, अगर पुलिस भी नहीं सुन रही तो CGM के पास जाइए, कोर्ट के पास जाइए। नहीं, उनको नेता अगर बनना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक उसमें व्यक्ति है राशिद अली, जो एक पीली उसमें था, मैं देख रहा था वीडियो में, जो 11 लाख रुपए बताया था, उसके खाते से 1 फूटी कोड़ी अगर आई हो, मैं कप्तान साहब इसके लिए भी कहूँगा कि इसका भी बंदर बनाया जाए। मतलब आप एक चीज समझिए, आपका पैसा लगा नहीं, उनके फादर के प्लॉट लिए हैं, फादर उनके संतुष्ट हैं, एप्लीकेशन आप दे रहे हैं। मतलब ये वो समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता है जो राशिद अली है, उसको पार्षद बनना है पता नहीं कौन से उससे, कमाल की बात है। मैं तो इस बात को सोच के बड़े ताज्जुब में हूँ कि इस तरह की, मेरी इसमें क्या गलती तो है? क्या मानते हैं कोई राजनीति की इसमें कोई बढ़ावा दे रहा है आपकी? देखिए मेरी पार्टी की भी इसमें एक दो लोग शामिल हैं, उसकी जांच चल रही है। सर अराध्यम अब किसके नाम है, कंपनी किस? अराध्यम MD जो है उसकी आभा चौधरी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कोई किसी को परेशानी है भी तो वो अपनी एक एप्लीकेशन कंपनी में दे। किसी कंपनी के आप ब्रोचर दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं तो उस PC को ही नहीं समझ पाया, वो PC किसके खिलाफ थे? उसमें वो बोल रहा है कि 5000 रुपये लेती है पुलिस FIR करने के। आप बताइए मुझे, आप ये कोई 5000 रुपये लेती है पुलिस FIR करने के, और 5000 रुपये लेती है FIR लगाने के? पुलिस के बारे में उन्होंने ये बोला, मुख्यमंत्री को उन्होंने गालियां दिला दी, मेरे खिलाफ उन्होंने अपशब्द बोले, और सोशल मीडिया पे पिछले 2 महीने से वो मेरी वाइफ को गाली बक। और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, इनको जो है इन पे NSA की कार्रवाई कम से कम हो, क्योंकि इस तरह के ऑडियो वायरल करने से दंगा फैल सकता है, शांति भंग हो सकती है। इसलिए मैं आज कप्तान साहब से मिलकर इन पे कठोर कार्रवाई की मांग करूँ।